छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शहरी नक्सली नेटवर्क का पता चला है। भोपाल के पास इलाके शाहपुरा में, जी हां पौस इलाके शाहपुरा में पति पत्नी को उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम का पता चला था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस को जानकारी मिली थी कि पिछले कई दिनों से ये दंपति देश विरोधी कामों और नक्सली गतिविधियों में सक्रिय है और 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छापेमारी की गई। आरोपी का नाम मनीष श्रीवास्तव और पत्नी वर्षा पहचान छुपाकर भोपाल में रह रहे थे। ये दोनों यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं और बिना किसी काम के झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में घूमते थे। दोनों के पास से कई नक्सली साहित्य और सामान भी बरामद हुआ है। तो ये खबर हम आपको दे रहे हैं, आपको बता दें भोपाल से नक्सली दंपति पकड़े गए हैं। ये पति पत्नी पकड़े गए हैं जो अपनी पहचान छुपाकर भोपाल में रह रहे थे। इनके पास से नक्सली सामान और साहित्य भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनकी ये अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रहे थे और पुलिस इनकी जानकारी लेना चाह रही थी और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान ये पकड़े गए हैं। इनके पास से नक्सली साहित्य और सामान भी बरामद कर लिया गया है। ये दोनों ही यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ये दंपति है। तो भोपाल से नक्सली दंपति पकड़े गए हैं। ये यूपी के रहने वाले थे जो अपनी पहचान छुपाकर, अपना ओरिजिनल नेम छुपाकर यहाँ रह रहे थे और इससे पहले भी ये तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी रह चुके हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने सर्चिंग की और अब एटीएस उत्तर प्रदेश की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई सामान और नक्सली जो साहित्य है वो भी बरामद कर लिया गया है।